माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। इधर जो लोग खड़े हैं भैया, वो भी अच्छा पड़ोस देख के कहीं बैठ जाओ। चार चार पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ आदरणीय प्रिंसिपल मैम को, विशेष प्रणाम, और एक टिप्पणी से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहता हूँ जी। यहाँ पर शिक्षक गण भी बैठे हैं और हमारी पीढ़ी के लोग भी बैठे हैं। किसी ने कहा विधायक जी के इस देश का विकास बड़े पुल बनाने से हुआ, किसी ने कहा कि इस देश का विकास बड़ी सड़कें बनाने से हुआ, लेकिन एक टिप्पणी करूंगा और आपकी तालियां मंच तक पहुंचेंगी, मेरे समर्थन करेंगी। मैंने कहा कि ना इस देश का विकास बड़े पुल बनाने से हुआ, ना इस देश का विकास बड़ी सड़कें बनाने से हुआ, इस देश का असली विकास तब हुआ जब इस देश की पीढ़ी को शिक्षित किया गया। जो कार्य हमारे शिक्षक गणों ने किया, एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाइए, उनका हौसला दीजिए। और एक टिप्पणी और कर रहा हूं, आपकी तालियां बड़ी होंगी। कोई नरेंद्र नाम का बालक तब स्वामी विवेकानंद बनता है जब रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु मिलते हैं। तालियों को बड़ा करिए, बहुत कमजोर तालियां हैं। लग नहीं रहा कि मैं तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित की भावना को अंगीकार करने वाले राष्ट्रभक्त लोगों के मध्य में खड़ा हूं। उत्तर प्रदेश से आता हूं, चार पंक्तियां सुना रहा हूं। बच्चों की बात कर रहा था, मैं भी होशियार रहा। रिजल्ट आना था पिता ने, एक सब्जेक्ट में फेल हो तो कहना जय श्री राम, दो में फेल हो तो कहना राधे श्याम, तीन में फेल हो तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं रिजल्ट लेके आया, गेट पे पिताजी लठ लेके तैयार, बोले क्या हुआ? मैंने कहा पापा सांचे दरबार की। तालियां जोरदार वाली बजा दो एक बार। उत्तर प्रदेश से आता हूँ, चार पंक्तियां सुनना पहले, अगर लगे कि आपकी तालियों की गूंज उत्तर प्रदेश तक पहुंचे, अगर मन पे वो छपे तो जरा मन से समर्थन करना, 5-10 मिनट आपके बीच में। स्वागत के उसके के उसी के सुबह और शाम रहेंगे, भारत की भूख पे जब तलक भी धाम रहेंगे। उसके के उसी के सुबह और शाम रहेंगे, भारत की भूख पे जब तलक भी धाम रहेंगे। ये फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो राम की जगह थी वहां राम रहेंगे। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, सारे विधायक जी बैठे हैं। विधायक जी, पाकिस्तान की हालत आप सबने टीवी पे देखी। मैंने 4 साल जो पंक्तियां पढ़ी, अगर वो सार्थक हो गई हो तो जरा मन के साथ समर्थन करना, निवेदन कर रहा हूं कि रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया, ऐसा ना लगे कि आसाराम बापू की कथा में बैठे। मन के साथ बैठना, चौथी पंक्ति में समर्थन करना। और मुझे पता है भारत विकास परिषद तो कमाल ही होता है, वो एक भारत विकास परिषद का आदमी, एक असम का आदमी, बंगाल का आदमी साथ बैठ के चाय पी रहे थे। असम वाले ने चाय पीने के बाद कप को सीधा रख दिया, बंगाली ने चाय पीने के बाद कप को उल्टा रख दिया। अब भारत विकास परिषद का आदमी फंस गया, और वो भी फरीदाबाद वाला फंस गया, यहाँ का है ही नहीं, उसने कप को आड़ा रख दिया। वो दोनों तुरंत बोले तुमने आड़ा क्यों रखा? उसने कहा तुमने सीधा क्यों रखा और तुमने उल्टा क्यों रखा? असम वाले ने कहा कि मैंने सीधा इसलिए रखा कि मुझे अभी चाय और चाहिए। बंगाली ने कहा कि मैंने उल्टा इसलिए रखा कि मुझे अब चाय नहीं चाहिए। तू बता फरीदाबाद वाले, तू बता भारत विकास परिषद वाले, तूने इसे आड़ा क्यों रखा? अब उसका उत्तर सुनना और यहां से वहां तक तालियां उठ जाएंगी। भारत विकास परिषद वाले ने कहा कि भैया मैंने कब को आड़ा इसलिए रखा कि हो तो दे दो, ना हो तो रहने दो। तालियां जोरदार वाली बजा दो एक बार। पाकिस्तान की हालत और मेरी चार पत्नियां, विधायक जी आपकी तरह दिल खोल के तालियां हैं, निवेदन कर रहा हूं कि रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया, डोरी की डोर तोड़ के डोरा थमा दिया। रुपयों का अभी छिना है 4 दिन पहले, रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया। और तालियां इस बात पे बजाना, विधायक जी की उपस्थिति में कह रहा हूं, लोग इस देश में इसलिए बदनाम थे कि वो नोट देते थे। पहला आदमी ऐसे आया जो नोट लेके वोट ले रहा है। तालियां बजा दो एक बार तो समझ जाओ कि रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया, डोरी की डोर तोड़ के डोरा थमा दिया। एक काम किया मोदी जी ने 8 साल में, इमरान के हाथों में कटोरा थमा दिया। ताली बजाओ मिल के सारे ब्रह्मास्त्र था जो पास छोड़ कर दिखा दिया। इस बार तालियां नहीं, जरा थप्पड़ों की शक्ल दीजिएगा, क्योंकि फरीदाबाद एनसीआर में आता है, यहां से आवाज उठ गई कि दिल्ली से भारत के टुकड़े कर देंगे। जवाब सही मिलाओ तो मुझे लगे कि मैं राष्ट्रभक्त लोगों के मध्य खड़ा हूं। तेजस्वी स्पीड से काव्य पाठ कर रहा हूं, इसलिए ज्यादा बन गए कि
करते रह गए, मोदी जी ने कश्मीर जोड़ कर दिखा दिया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर। कमाल बेटा। चार पंक्तियां और सुनना। ये दद्दू कह रहे थे तेरी शादी नहीं हो रही, तू कुमारा है। हमारे यहाँ मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहां पे कुमारों की क्या हालत है। चार पंक्तियां जो समझ जाएंगे उनका मन से समर्थन। कि हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दे, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दे। चौथी पंक्ति पे तैयार है। हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दे, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दे। यूपी के कुमारे सभी ये सोच रहे हैं, बाबा जी अपनी ही तरह बाबा न बना दे। कि लोग आते हैं मेरी शादी के लिए, पूछते हैं शादी क्यों नहीं हो रही। अब मैं उन्हें बताता हूं, वो पूछने लगते हैं, समझदार लोग होते हैं आपके जैसे, बोलते हैं तुम्हारी हैसियत क्या है। एक दिन मैंने चार पंक्तियों में एक शादी वाले को अपनी हैसियत बताई। अगर सही बता दी और आपको लगे कि आपकी भी हैसियत वही है, तो मन से समर्थन करना, निवेदन कर रहा हूं। कि हम कल जहां खड़े थे वहां आज खड़े हैं, वो भी कभी न देने की जिद पे अड़े हैं। अपनी हैसियत और आपकी हैसियत, दोनों की हैसियत। हम कल जहां खड़े थे वहां आज खड़े हैं, वो भी कभी न देने की जिद पे अड़े हैं। पूछी किसी ने हैसियत तो मैंने ये कहा, मेरे 15 लाख मोदी जी के पास पड़े हैं। ताली बजाओ मेरे सारे दोस्त। और इन चार पंक्तियों पे उछल जाओगे कुर्सियों से। बहुत ही बढ़िया। सब लोगों ने कहा मोदी जी पूरे विश्व में गए, फ्रांस जापान कभी कोई पैर छू रहा है। मैं ऐसी जगह निकाल के लाया जहां मोदी जी का आज तक पैर नहीं पड़ा। अगर जगह सही हो तो एक एक व्यक्ति उजरा तालियां मन से दे, ऊर्जा से भरे इस कवि सम्मेलन को निवेदन कर रहा। के पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेता जी बन के वो न बुरे हाल में गए। पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेता जी बन के वो न बुरे हाल में गए। पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो, मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए। ताली बजाओ मिलके सारे दोस्त। अभी इसमें देश के क्या सर, इस वंश मोर के चक्कर में हम चाइना से आगे निकल गए। एक पैदा होता है, दूसरा वंश मोर कर देता जी। चार पंक्तियां और सुनना सर, सबका निवेदन है। मुझे सर को पूछता तू को पता है मुझे आदेश शुरू कर दिया। समय की सीमा। राजकुमार जी वो लोग मंच चाहिए कभी जिनको जमीन पे बैठ करके हमने कविताएं लिखना सीखा है, उनका अनुकरण और अनुसरण करके कविता के संस्कार हमारे अंदर आए हैं, और उनकी 4 वर्षों की तपस्या का नवनीत है जो आज हमें आपके रूप में मिल रहा है, वो दो लोग बहुत विशेष हैं। हमारे बड़े दद्दू दिनेश रघुवंशी जी, आपके फरीदाबाद का गौरव। विश्व का कोई देश ऐसा नहीं है जहां वो फरीदाबाद के नाम को लेकर ना गए हो। तालियां बड़ी करिए, पर जोरदार तालियां। हमारी बड़ी चार पंक्तियां और पढ़ रहा हूं। अभी इस देश में जीते आए, सबको परेशानी हुई, चीते आए चीते आए, सबको पता चला। मैंने बताया चीते क्यों आए, आनंद आया। कि अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, मेहनत मैं कर रहा हूं, फोटो उनकी खींच रहे हो, ध्यान रखो मोदी जी का अभी कहां खड़े हैं, तो सीखो यार जी। कि अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। पीछे वाले भी कम जाके जरा, वो भी जाके। अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। मोदी जी के घर में जो एक शेर नहीं होती, अफ्रीका से मोदी कभी चीता नहीं लाते। ताली बजाओ। तेरा काम तो हो गया बेटा, तुझे पता नहीं है कि तुझे बीजेपी फरीदाबाद से टिकट देगी। नरेंद्र जी यहां से नहीं कह रहा, मैं एक नया विधानसभा क्षेत्र बनेगा वहां से।
चार पंक्तियां और सुना, निवेदन कर रहा हूँ, उसके बाद में अपना स्थान लूंगा। मन के साथ विदा कर देना। लोगों ने कहा विधायक जी के आप यहाँ कोरोना आया, मैं लोगों ने कहा कोरोना आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, तुम्हारे यहाँ टेक्नोलॉजी क्या है, जापानी मिल गया एयरपोर्ट पे। मैंने उसे चार पंक्तियां सुनाई, मैंने कहा हमने तो कोरोना को ऐसे भगाया कि विश्व में किसी ने नहीं भगाया। अगर आपने भी वो काम किया हो तो मन के साथ विदा कर देना। निवेदन कर रहा हूँ कि दुनिया को एक और तरीका बता दिया हमने, नया इलाज सभी को सिखा दिया। दुनिया को एक और तरीका बता दिया हमने, नया इलाज सभी को सिखा दिया। तुम टेक्नोलॉजी नहीं हमको न सिखाओ, थाली बजा के हमने करोला।